आप थिएटर क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? बहुत शौक है ना आपको ये ड्रामेबाजियां करने का? भाई मरे या जी, आपको क्या फर्क पड़ता है? बड़े होने का ही थोड़ा एहसास कर लें। हालांकि आखिरी दफा मैंने आपको देखा था अंकल से बात करते हो, फिर भी आप मुझे दीवार पे लगा रही हैं। क्या बकवास कर रही है तू? मैंने क्या कहा है? नहीं नहीं, आपने तो कुछ नहीं कहा, आपके मुंह से तो फूल जलते हैं ना। मैं हमेशा सच बोलती हूँ और ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मैं चाहूँ ना तो हसन को सब बता सकती हूँ, बस उसे परेशान नहीं करूँ। कहाँ थी तुम? ये देख रही हो ड्रिप में ब्लड आ गया है? सिग्नल जी आरती को फोन सुनने गई थी। किसका फोन था? साशा का फोन। अगर तुम ना अटेंड करती तो वो मर जाती क्या? कुछ कर रहा हूँ। अरे अरे देखो तो सही, जरा कैसी लापरवाही, इसे कहते हैं कातलाना गफलत। वो तो मेरा दिल घबरा गया जो मैं ऊपर चली आई, वरना तुमने तो मार दिया था मेरे भाई को। मैं करती हूँ कुछ। नहीं छोड़ो, मैं कर लूंगा। मेरी बच्ची, ये सब कुछ मेरी बच्ची की वजह से हुआ, उसने बचा लिया मेरे भाई को। Zoya, I trusted you यार। इन सबको सही साबित करने के लिए तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हसन अब बस भी करो ना बेटा, होगी गलती, अब इनके सामने नाराज होगे तो ये परेशान हो जाएंगे। ये बताओ कि तुम्हारा इरादा क्या है, क्या चाहती हो तुम? देख लिया तूने किरण? अरे देख लिया, अपने अपने होते हैं। और खैर खैर, इसने तो कोई कसर नहीं उठा रखी थी मेरे भाई को मारने के लिए। ये तो चाहती ये है कि कल का मरता आज मर जाए। पुप्पो प्लीज बस करें। अरे क्या बस करूं मैं, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। अल्लाह मेरा भाई। मामू साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मामू साहब अरे किरण क्या कहेगा, वही कहेगा ना जो मैं कह रही हूँ। कब से सगे सगे होते हैं हाँ, और पराए पराए। इसने तो हद उठा दी, ये तो चाहती है कि जावेद मर जाए। मगर जावेद तू फिक्र मत कर, अब मैं आ गई हूँ, आ गई है तेरी बहन, ठीक हो जाएगा, तुम देख लेना, देख लेना। अल्लाह क्या हो गया मेरे भाई को, देखो जरा। जावेद हसन मुझे सामान ला दो, मामू साहब के लिए सूप मैं खुद बनाऊंगी। हाँ ठीक है, बना दो तुम। आप अब तो जो डॉक्टर कहेगा वही होगा, और डॉक्टर ने कहा है कि इनके सामने सब लोग खुश रहें। हाय हाय, आज हमें भी दिखावा करना आता होता। वो फिर आप प्लीज कमरे से बाहर चलिए। पापा मौका महल देखे, खुदा का वास्ता है, इस वक्त तो बख्शते हैं। अरे मैं तो बख्श देती हूँ, ये नौटंकी बख्शे तुम्हारी तब ना। देखो तो सही जरा किस तरह से बातें सुना रही है मुझे। हसन
आई थिंक आंटी को यहीं रहने देते हैं, हम बाहर चलते हैं। अरे सुनो, बाहर जा रही हो ना, जरा जल्दी से गरम शॉल भिजवाओ मेरे भाई के लिए। फालिज में जिस्म को गरम रखना बहुत जरूरी है। या अल्लाह मेरा भाई जल्दी से ठीक हो जाए। अब जाओ जावेद, अल्लाह तुम्हें ठीक कर दे। या अल्लाह। थैंक गॉड तुमने फोन तो उठाया। साशा किधर थी यार, कब से फोन कर रहा हूँ। क्यों फोन कर रहे हो आखिर, क्या चाहते हो? साशा मैं इतने दिनों से फोन कर रहा हूँ यार, मतलब बात तो करो। अब बात करने को कुछ बचा है तैमूर? दोबारा यहाँ फोन नहीं कर रहा। साशा प्लीज डोंट से दैट, आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगा यार। सब कुछ ठीक करने का टाइम चला गया तैमूर, अभी मेरे लिए फिर से रिश्ता ढूंढ रहे हैं। इनफैक्ट कल एक रिश्ता आया भी था, पर पता है क्या हुआ, वो मुझे रिजेक्ट करके चले गए क्योंकि दुल्हे की बहन मुझे पहचान गई। वो यूनिवर्सिटी में हमारी जूनियर थी और उसे पता था कि मैं तैमूर जमाल की गर्लफ्रेंड, और अभी एक दफा फिर जलील हो गए। अगर तुम शादी नहीं कर सकते थे तो रिलेशनशिप रखने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी वजह से मैं बदनाम हो चुकी हूँ। तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय हो रहा था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो तो मेरी मोहब्बत सच्ची थी साशा, वरना तुम्हारी शादी की खबर भी मुझे किसी और से पता चलती। हमारा रिलेशनशिप इतना कच्चा तो नहीं था यार। हमारा रिश्ता कच्चा था या पक्का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं बहुत जिल्लत उठा चुकी हूँ। जो इंसान इस दुनिया में मेरी इज्जत नहीं करवा सकता, मुझे उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। साशा हेलो,